भीड़ में घरों पर तेरे काम बढ़िया। अरे वाह बिल्लू चौधरी हमारे जवान, हमारे तो सिर्फ ऐसे मजबूती होंगे। अच्छा जी, महाराष्ट्र में आपने देखा है कि कोविड कोरोना को लेकर अब कुछ समय कह रहे हैं कि लॉकडाउन होएगा या नहीं होएगा, क्या परिस्थिति है ये हमें पता नहीं, लेकिन आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन का लेकर? देखो मेरी बात, पहले तो महाराष्ट्र और दूसरी इस आंदोलन में, देखो मेरी बात, बीच में ये स्थिति आ गई कुछ दिन, दो दिन चार दिन, कि आदमी 50 लाख किसान हो गए दिल्ली के आसपास, गाजीपुर टीकरी सिंधु सब मिला के बहुत दिन 20 लाख किसान रहे। 20 लाख की बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, मेरे विचार से 4-6 लाख 8 लाख किसान अब भी दिल्ली के आसपास है। भाई हमारे तो किसी किसान के कोरोना हो ना है, और भीड़ में ही रहे, हमने वो मुछीके से भी ना लगा रखे, तुमने भी ना लगा रखे, क्या बोलो उन्हें अंग्रेजी में, मास्क बोलो। हाँ तो देख लो काई के लग रो हो, घुमाओ कैमरा है, हैं पहले अब हाँ वो हम देसी भाषा में उसे कहते हैं मुझी का सो लगा दी। अब पता नहीं वो कोरोना कहाँ तो है कहाँ ना है, ये तो जाने देखो सरकार, या जिनके हो को मैं ये नहीं कहता कि बीमारी ना है, जब सब कह रहे हैं तो होगी, पर वो कोरोना यहाँ तो आयो नहीं बेचारो, डर के मारे ना आयो हो, क्योंकि किसान भी तो कोरोना आएंगे। किसान कैसे कोरोना, इसकी वैक्सीन ना है, ये अपने आप में कोरोना है, एक ये कोरोना से भी बड़े हैं किसान भाई, यहाँ क्या करेगो, और कोरोना है पतो है कि ये बेचारे दुनिया के पेट भरे कमा के खिला रहे, कोरोना है भी तो हम ही खिलामे भाई, कोरोना आदमी में जाए, आदमी जिंदे खाए दे रहे अन्न खा के रहे, तो आने की यार ये तो जिनमें मैं जाऊं उन्हीं के रक्षक हैं, सरकार के पास तो इसकी वैक्सीन है ही नहीं, नहीं वो उनके ढंग वैक्सीन है ना, हल्ला तो मचाते घूम रहे हैं वो, रामदेव बनाएगा, हाँ रामदेव तो चूरन बनावे, रामदेव पे कहा धरे बेचारे पे, पौने दो आंखें वाके खुद ही चूरन बेचे उठक बैठक लगावे, मालदार है रो रहे इसको, बढ़िया बढ़िया पैसा है। तो आप लोग जो कोरोना जो चल रही है बीमारी इवन यहाँ तक दिल्ली के आसपास तक भी है थोड़ा बहुत, और उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोग किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो इस कोरोना काल में? हम आपका खुराक है, मेरी बात सुनिए, हम परमात्मा को तो मानने वाले हैं, परमात्मा को मानने वाले हैं और ईमानदारी से मेहनत करके खाने वाले हैं, हमारे ढंग कोरोना नहीं आएगा, हमारे गांव में भी ना आयो, मैं अपनी बता रहा हूँ और पड़ोसी गांवन की बता रहा हूँ, अगर कोरोना आए हो भैया तुम्हारे यहाँ आयो, कोरोना ढूंढो भी ना आयो ना हमारे ढंग आवे, बहुत दूर कर जाए बच के। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोरोना नहीं है, होगा कोरोना, लेकिन हमारे ढंग ना आयो हम क्या जाने कोरोना, बताइए क्या 50 लाख की भीड़ में महामारी नहीं आ सके, हम लोग इकट्ठे रहते हैं इकट्ठे बैठते हैं इकट्ठे खाना खाते हैं, हमारे वो भी नहीं है तुम्हारे वो अभी मैंने जो बोले मास्क नहीं है, बताओ दिल्ली में भी नहीं आता है, और जब ये बीजेपी रैली करती है वहाँ कोरोना में कोई ना मरे, अब पता हो ना कोरोना कहाँ घूमे, अब ये मेरी समझ में भी नहीं, छुड़वा देते हैं बीजेपी भाई, छुड़वा देते हैं भाई, 1-1 लाख की रैली करें ये कोरोना भाग जाए, पता ना उसे पहले ही पता लग जाए कि रैली कर रहे हैं तू भाग यहाँ से, हमारे ढंग तो बेचारो आयो ना। जय किसान।